हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग मेरी शिमला टू काजा सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखे थे, मैं काजा के बहुत ही करीब था और रात हो गई थी, तो इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं करा। ये स्टे है, ये जो आप देख रहे हैं अब, ये पूरा काजा है। ये 10 स्टे में मैं रात में था। ऑलमोस्ट थोड़ा टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा था, कल ऑलमोस्ट 0 to 1 degree में था, सो मैं कुछ शूट नहीं कर सका रात में। ये आप देखेंगे पूरे 10 स्टे का यहाँ का व्यू है। फाइनली ब्रेकफास्ट करके मैं अब निकल चुका हूँ मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो काजा से पहले मैं जो पहुँचूँगा वो जो है चीचम ब्रिज पहुँचूँगा। चलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोग को काजा के बारे में बताता चलूँ। ये अभी देखिए, अब ये काजा से मैं स्टार्ट हुआ हूँ। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे बहुत ही ब्यूटिफुल पिक्चर पैनोरामिक व्यूज़ है। तो आप लोग को काजा का बताता चलूँ। ये काजा जो है हिमाचल का एक खूबसूरत गांव है जो स्पिति वैली का एक हिस्सा है। काजा लगभग 12,500 feet की ऊंचाई पर स्थित है। ये गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए बहुत ही मशहूर है। काजा तक पहुंचने के लिए जब आप पहुंचेंगे तो रास्ते में आपको बहुत ही ख़तरनाक रोड्स मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे और स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी आपको देखेंगे। ये देखेंगे आप बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यूज़ है। जितने आप मेरे प्रीवियस वीडियोस काजा के देखे होंगे, जो सीरीज़ के पूरे वीडियोस में आपको बहुत ही रोमांचक रोड्स, लैंडस्केप हर जगह बदलते रहेंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, मैं जो है पूरे वीडियोस के लिंक्स वहां पर अपडेट करा हूं। क्लिक करके आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और काजा का बताता चलूँ, ये काफ़ी छोटा गांव है और यहाँ का कल्चर और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही मशहूर है। और ये भी बताता चलूँ कि काजा से जब आप आगे निकलेंगे चीचम ब्रिज के लिए, कुंजुमला पास के लिए और थोड़े लोग चितकुल विलेज के लिए भी, हिक्किम विलेज के लिए जो है यहाँ से एक बाईपास जाता है तो वो वहाँ पर भी जाते हैं, तो मेरी आइटनरी में अभी हिक्किम विलेज नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ, काजा में जो है लास्ट पेट्रोल पंप है, तो जितना हो सके आप लोग अपने जो है पेट्रोल में जेरी कैंस वगैरह भर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ के बाद आपको डायरेक्टली जो है पेट्रोल पंप जो है किलोंग में मिलेगा। और राइट, अभी आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं, ये पूरे पहाड़ और ये पिक्चर पैनोरामिक व्यूज़, ये पूरे की गोम्पा का है। ये एक जो है काजा से थोड़ा 10 या 12 किलोमीटर के बाद आपको ये रोड मिलेगी जिसे की गोम्पा रोड बोलते हैं, और यहाँ की एक मॉनेस्ट्री भी बहुत ही मशहूर है। ऑलराइट व्यूअर्स, जैसा आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, ये मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस है। तो अभी तो मैं मॉनेस्ट्री नहीं जा रहा हूँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू चीचम ब्रिज। यहाँ से चीचम ब्रिज कुछ 18 से 20 किलोमीटर बता रहा है। आप देखेंगे अभी रोड्स यहाँ से फिर थोड़े जो है नैरो हो गए हैं, थोड़ा देखेंगे आप हॉर्न देते हुए आपको ये रोड पर जाना पड़ेगा, और थोड़ा सोच समझ के चलाइए बिकॉज़ यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी सिंगल रोड है। चलिए एंजॉय करिए, होप यू आर एंजॉयिंग माय काजा सीरीज़। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए क्विकली थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो पर, और अगर कुछ आगे दिखा तो आप लोग को बताऊँगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। फाइनली योर वेट इज़ एंड व्यूअर्स, जैसा आप अभी देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं चीचम ब्रिज। चलिए क्विकली ये ब्रिज को मैं पार करूंगा और आगे जाके पार्क कर आप लोग को ये एक सिनेमैटिक व्यूज़ जो है ये चीचम ब्रिज का बताऊंगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो, होप यू आर एंजॉयिंग दिस वर्चुअल ट्रैवल, सिट बैक एंड एंजॉय। ऑलराइट व्यूअर्स, तो मैं थोड़ा आगे जाके पार्क करके ये ब्रिज पर अभी आया हूँ।
देखिए यहाँ से व्यू ब्रिज का ऐसा दिखता है। सो दिस इज एट 13,000 प्लस फीट्स, यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है। देखिए जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैं एक वर्ल्ड के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज पे ठहरा हूँ जिसका नाम है चीचम ब्रिज। इसे देखिए आप, ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 13,000 प्लस फीट्स पे हूँ। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी शिमला वाया काजा, काजा से होते हुए मैं चीचम ब्रिज आया हूँ। यहाँ से मैं लोसर जाऊँगा, लोसर से कुंजम पास, फिर वहाँ से मैं चंद्रतल लेक जाऊँगा। ये मेरा पूरी आइटनरी जो आज की है। होप यू आर इन्जॉइंग माई वीडियो, बनी रही है मेरे ये व्लॉग्स पर। ये पूरी सीरीज जो है शिमला काजा चंद्रतल लेक, फिर मैं एग्जिट हूँ अटल टनल से। स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। ऑलराइट व्यूअर्स, जैसा आप अभी देख रहे हैं यहाँ से सिनेमैटिक व्यूज चीचम ब्रिज के, ऑलमोस्ट देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये दो पहाड़ों को जो है ये एक सस्पेंशन ब्रिज जो है कनेक्ट कर रहा है। सो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। ऑलराइट व्यूअर्स, चीचम ब्रिज पे मैं ऑलमोस्ट एक से डेढ़ घंटा वहाँ पर थोड़ा चाय वगैरह भी पिया था, वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ कुंजुमला पास, मैं बोलूँगा आप लोग को ये वीडियो यहाँ से स्किप मत करिए, बिकॉज यहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट जो है आपको पैनोरामिक व्यूज़ दिखेंगे। बहुत ही ब्यूटिफुल सीनरी है, मेरे दोनों ही तरफ पहाड़ है। सो बने रहिए वीडियो पर। क्विकली मैं थोड़ा ये वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग इन्जॉय करिए ये पैनोरामिक व्यूज़ और सिनेमैटिक व्यूज़। आगे चलकर कुछ दिखा तो मैं आप लोग को वो भी बताता चलूँ। तो ये जो चीचम ब्रिज से कुंजुमला पास की रोड है, ये कम्प्लीटली ऑफ रोड है, बहुत ही ऑफ रोड रोड है। रास्ते में कहीं कहीं पर ही जो है अच्छी रोड मिलेगी, वरना पूरी ये ऑफ रोड प्लेस है। देखिए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड का भी जो देख रहे हैं, पूरा ये आप देखेंगे, पूरा ऐसा दिखेगा कि आप लोग कोई मून लैंड में आ गए हैं। नीचे देखिए स्पिटी रिवर बह रही है, और ऊपर के जो पहाड़ है रेत के, और कहीं पर आपको जो है कम्प्लीटली मून लैंड की फीलिंग आएंगी। ये देखिए आप, ये पूरी देखिए ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़ है, और ये पूरा जो है अगेन जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अभी ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर, स्पिटी रिवर बह रही है मेरे बाजू से, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है गाइस। सिट बैक एंड एंजॉय दिस वर्चुअल ट्रैवल। ऑलराइट व्यूअर्स, सो अभी यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं रफ पैच कुंजुमला पास, यहाँ से करीब है ऑलमोस्ट आई बिलीव 6 to 8 किलोमीटर्स है। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। लग रहा है कुंजुमला पास के पास कहीं बारिश मिलेगी, बिकॉज पूरा जो है क्लाउड्स आए हुए हैं। ये एंट्रेंस है कुंजुमला पास का। चलिए क्विकली मैं अंदर जाता हूँ। ऑलराइट व्यूअर्स, सो अब मैं हूँ कुंजन पास पर, जो अप्रॉक्सीमेटली 13,900 फीट है। आप मेरे पीछे देखिए पूरे स्नो कैप माउंटेन्स है, और मेरे जो
राइट हैंड पे पूरे पास है और अभी पता नहीं ऑलमोस्ट आई बिलीव जीरो या माइनस वन होगा यहाँ का टेम्परेचर, तो वेरी इंजॉयबल मोमेंट है। तो मैं तो बोलूँगा आप लोग को विजिट करिए, थोड़ा रोड ख़राब है, थोड़ा रफ पैचेस है, बट जब आप ये पूरा रफ पैच पार करके आएंगे आपको ब्यूटीफुल जो है माउंटेन मिलेगा, साथ में जो है ये पूरे वादियाँ देखने मिलेंगे। स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। Alright viewers, so it's time to end this vlog here. आगे आप देखेंगे कुंजुमला पास से मैं आगे कहाँ पहुँचा हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए मेरे ये काजा सीरीज़ पे। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करें मेरे चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो और एक छोटा कमेंट करिए, दैट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो प्लीज़ एक छोटा कमेंट भी करिए कैसा दिखा आपको वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यू हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।